नमस्कार दर्शकों, इंडिया फर्स्ट न्यूज़ के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं आज का सुविचार। मित्रों, हर दिन कुछ नया लेकर आता है, ये आपने अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा, लेकिन होता यह है कि हम उस दिन को नहीं पहचान पाते हैं और उस चक्कर में आए हुए दिन की अच्छी भली बातों को भूलकर पुरानी चीज़ों में ही हम अटके रहते हैं। तो प्रतिदिन हमें थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और आज क्या करना है इसकी भी प्लानिंग करना चाहिए और शाम को प्लानिंग करना चाहिए कल क्या करना है। इस प्रकार से आप कुछ दिन जीना शुरू करें, 40 दिन के अंदर आपको आने वाली प्रोग्रामिंग अपने आप ही समझ में आने लग जाएगी। अब देखते हैं आज का पंचांग। 7 जून 2019 शुक्रवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र है, आज तिथि है चतुर्थी। अब देखेंगे आपका राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों पर आज शुक्र का विशेष प्रभाव, कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी में और कहीं ना कहीं आप प्रलोभनों में जी रहे हैं और इन दोनों में आपको नुकसान हो सकता है। प्रलोभन से भी बचें, जल्दबाजी से भी बचें और जो लोग कह रहे हैं उसको भी सुनकर स्वयं विवेक से निर्णय करें, फिर बात आगे बढ़ाएं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के दो दिन बहुत अच्छे हैं, खुशखबरी भी मिलेगी, मानसिक शांति भी मिलेगी और परिस्थितियों में बदलाव भी बहुत अच्छा होगा जो आपके अनुरूप ही होगा, अतः दो दिन तक कोई अच्छी योजना बना सकते हैं। आज का दिन और भी अच्छा रहे उसके लिए एक सिक्के का दान करें, दान अवश्य करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आर्थिक पक्ष की दृष्टि से दिन शुभ चल रहा है, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपको धैर्य की आवश्यकता है, दूसरे की बातों में ना आए बेहतर होगा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है, मानसिक शांति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और विशेष रूप से जो काम आप अकेले कर रहे थे उसमें भी मित्रों की मदद मिलेगी। आज दिन अच्छा है, सफेद वस्त्र शुभ रहेंगे। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को एक साथ बहुत सारे कार्य संपन्न करने पड़ सकते हैं, इसलिए आज थोड़ी सी ऊर्जा को बचा कर रखें दोपहर के बाद। मित्रों की मदद मिल सकती है लेकिन कहीं ना कहीं आप ही उसमें मुख्य भूमिका में होंगे, इसलिए मेहनत आपको अधिक करनी होगी, परंतु दिन बहुत अच्छा है, मन प्रसन्न होगा सायंकाल। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें कुछ बदलाव की आहटें भी आ रही हैं और उस बदलाव में आपके परिजन सहायक होंगे, उनके माध्यम से दिया हुआ मार्गदर्शन आपके लिए वर्तमान में बुरा लग सकता है लेकिन भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा, परिजनों का आशीर्वाद लें। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को आज चिंतन करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से अपने कामों को लेकर। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपके ऊपर निगाह लगाए बैठा हुआ है जो आपके काम को वाच कर रहा है और आपकी गलतियां भी ढूंढ रहा है, तो आज कोई ऐसी गलती ना हो जिसके कारण आपको पछताना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखें। वैसे विजय श्री का दिन है इसलिए विजय तो प्राप्त होगी ही, आज दिन अच्छा रहे उसके लिए मिठाइयों का वितरण अवश्य करें। धनुराशि व्यक्तियों का आज मानसिक तनाव अधिक पालने के स्थान पर कार्य करने को महत्व देना चाहिए। आज दोपहर में कहीं ना कहीं अधिक कार्य के कारण परेशान हैं लेकिन एक एक करके काम निपटाएंगे, सारे काम संपन्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, दिन बहुत अच्छा है। मकर राशि के व्यक्तियों के लिए आज उत्तम फल प्राप्ति के योग बनते हैं, धन योग भी आज बहुत अच्छा है, कर्म योग भी बहुत अच्छा है, साथ ही भाग्य भी आज अच्छा है, तो कुल मिलाकर विजय श्री की प्राप्ति अवश्य होगी। कुंभ राशि के व्यक्तियों को आज धन के मामले में सचेत रहना चाहिए, पैसा उधार ना दें, जुए सट्टे शेयर से दूर रहें, साथ ही जो सौदा आप करने जा रहे हैं उसमें भी बहुत चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, कुल मिलाकर आज सजगता से सफलता की प्राप्ति होगी। मीन राशि के व्यक्तियों का दिन अच्छा है, कुछ योजनाएं बनेंगी उस पर कार्य करना शुरू करेंगे, लाभ मिलेगा। देश विदेश से संबंधित कोई कार्य करना है, अपने क्षेत्र से बाहर के कोई कार्य करना है, आज जल्दी संपन्न होंगे, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, दिन अच्छा है, गाय को एक रोटी अवश्य खिलाएं। मित्रों यह था आपका दिन कैसा रहेगा, अब देखते हैं आज का रामबाण। मित्रों पुष्य नक्षत्र हो, चतुर्थी तिथि हो, ऐसे समय में भगवान श्री गणेश जी की आराधना करना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी को छोटी बूंदी के लड्डू चढ़ाने से व्यक्ति की याददाश्त में वृद्धि होती है, पूर्व जन्म कृत दोषों का शमन होता है। आज इतना ही, कल पुनः भेंट होगी, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।